टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज दौरे पर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए मेजबान टीम को करारी शिकस्त दी। T20 वनडे सीरीज के बाद दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भी विंडीज टीम कमाल नहीं दिखा पाई और भारतीय खिलाड़ियों के सामने ढेर हो गई। इस सफल दौरे के साथ ही कप्तान विराट कोहली ने पूर्व कप्तान MS धोनी का खास रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास रच दिया है। तो कौन सा है वो रिकॉर्ड, आइए देखते हैं। पहले T20 सीरीज में वेस्टइंडीज को छकाया, फिर वनडे सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमाया और आखिर में मेजबान टीम को टेस्ट सीरीज में भी हराया और इस तरह भारत का वेस्टइंडीज दौरा सफल कहलाया। जी हां, विराट ब्रिगेड ने कैरेबियाई टीम के खिलाफ एक के बाद एक 3 सीरीज पर जीत हासिल की। टीम इंडिया ने किंगस्टन टेस्ट के चौथे दिन वेस्टइंडीज को 257 रनों से करारी शिकस्त दी। विराट ब्रिगेड ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली गई इस सीरीज में वेस्टइंडीज का न सिर्फ 2-0 से सफाया किया बल्कि पूरे 120 अंक भी बटोर लिए। दो टेस्ट मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज का 2-0 से सफाया करने से पहले भारतीय टीम ने इस दौरे की T20 सीरीज में 3-0 से और वनडे सीरीज पर 2-0 से ही जीत हासिल की। आखिरी टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन के खेल में दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट लिए। भारत के 468 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही वेस्टइंडीज टीम कुल 210 रन बनाकर ही ढेर हो गई। पहली पारी में शानदार शतक जड़ने वाले युवा बल्लेबाज हनुमा विहारी मैन ऑफ द मैच चुने गए। इससे पहले भारतीय टीम ने पहली पारी में हनुमा विहारी के शानदार शतक और ईशांत शर्मा के पहले टेस्ट अर्धशतक की बदौलत 416 रन बनाए। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में सिर्फ 117 रन ही बना पाई। इसके बाद दूसरी पारी में 468 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे विंडीज खिलाड़ी भारतीय गेंदबाजों के आगे घुटने टेकते चले गए। पूरी टीम 210 रन पर ही ढेर हो गई। इस तरह भारत ने दूसरा टेस्ट मैच भी विशाल अंतर से जीत लिया। वहीं इस जीत के साथ भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का खास रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया। जी हां, MS धोनी की कप्तानी में भारत ने 60 टेस्ट मैचों में से 27 में जीत दर्ज की। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के शुरू होने से पहले विराट कोहली के नाम टेस्ट में 26 जीत दर्ज थी। एंटीगुआ में खेले गए पहले टेस्ट में जीत दर्ज कर विराट कोहली ने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के विदेशी धरती पर टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा और MS धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी की। वहीं अब दूसरे टेस्ट में जीत दर्ज करने के साथ ही विराट कोहली के नाम विदेशी धरती पर 28 टेस्ट मैचों में जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। यानी भारतीय टीम के लिए विंडीज का दौरा काफी सरल रहा जिसमें कई नए रिकॉर्ड्स बने और कई पुराने रिकॉर्ड्स टूटे। DB लाइव की रिपोर्ट।